बेसिकली क्लास 10th के जो क्वेश्चंस होते हैं वो तीन कैटेगरी में डिवाइड है। पहला जो क्वेश्चन होगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, जैसे कि नेम ऑफ द साइंटिस्ट, जस्ट राइट द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस वन, डायरेक्ट डेफिनेशंस, दीज आर वन मार्क्स क्वेश्चन, डायरेक्ट एनालाइजिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डेमोंस्ट्रेटिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन सेकंड टाइप, जो दो नंबर और तीन नंबर में। पहला टाइप जो है डायरेक्ट एनालाइजिंग टाइप वो 46% होता है, आउट ऑफ 80 मार्क्स 46% डायरेक्ट क्वेश्चन था। ये आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो बोर्ड देता है 46% क्वेश्चन डायरेक्ट डेफिनेशंस होते हैं। अगर आप डेफिनेशंस लर्न कर रहे हो, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है उनको लर्न कर रहे हो, तो 46% आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने पूरे पेपर का। 33% डेमोंस्ट्रेटिव टाइप आता है, यानी कि वो आपसे बोल देंगे कि जब आई एम गिविंग अ केस, just analyze this one and answer the questions given below, these kind of questions, दो नंबर तीन नंबर में ये questions आते हैं। And the last remaining portion will come under the category of long answer type of question, evaluating type, पूरा case देंगे उसको evaluate करो, उसके बारे में explain करो, explain करके पूरा data क्या करो write करो। ये तीन category में पूरा आपका question paper divided होता है class 10 का हर एक subject का। आपको क्या करना है, now whenever you will see sample paper, first you have to analyze what kind of question is this one and from where this one, ye kis chapter se hai, agar 1 number ka question hai to kis chapter se hai, 5 marks ka question hai to kis chapter se hai, us chapter ko aapko kya karna hai mark karna hai। suppose 5 marks ke question aapne 3 sample paper open kiye, 5 marks ke question aapne dekhe ki aapka natural resources se aa raha hai, then mark the chapter ko 5 marks। ये चैप्टर जो है इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, वी हैव टू प्रिपेयर दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू दैट, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, उन चैप्टर्स को बहुत डीप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। हमेशा हम क्या करते हैं, गलत कैलकुलेट करते हैं। जिन चैप्टर्स से एमसीक्यूज आते हैं उनको हम बहुत लाइटली लेते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनको बहुत लाइटली लेते हैं। One of the toughest form of examination is MCQs. This is why सारे competitive examination किस form में किए जाते हैं, MCQs में किए जाते हैं। और MCQs में भी सबसे tough format जो MCQs का है वो SSN and reasoning, जो last 2 साल से introduce किया गया board में, इससे पहले board में नहीं, 2 सालों से introduce किया गया है SSN और reasoning में। इसको solve करने के लिए आपका concept बहुत clear होना चाहिए। Each and every point should be clear to solve SSN and reasoning. Is it clear? जिस चैप्टर से भी आपको लगता है, आप जब सैंपल पेपर ओपन करोगे, जिस चैप्टर से भी आपको लगता है इससे SSN and reasoning टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, what we have to do now, that chapter should be clear, crystal clear. वो चैप्टर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना उस चैप्टर, जिससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं दैट इज ओके, उससे आप क्या कर सकते हो थ्योरेटिकली स्टडी किया, उसको लर्न किया, उसको आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन में डेमोंस्ट्रेशन टाइप में या फिर इवैल्यूएशन टाइप में आप पूरा थ्योरेटिकल पार्ट लिखोगे, उसमें मार्क्स आपको मिलेंगे, बट 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके रिजल्ट को डिसाइड करेगा। आपके पूरे 80 मार्क्स में कितने मार्क्स के क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, एमसीक्यू टाइप 46, क्लियर? ये 46% आपके रिजल्ट को क्या करते हैं, एनहांस करते हैं। इसमें अगर गलत किया तो आपका रिजल्ट डाउन, इसमें सही किया तो आपका रिजल्ट डाउन। अक्सर हम गलतियां यहीं पे करते हैं, अक्सर हम क्या करते हैं, मिस्टेक्स इन्हीं में करते हैं, जिसकी वजह से हमारा परसेंटेज क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। क्या करना है, सबसे पहला काम ब्लूप्रिंट को बहुत अच्छे से देखना। ब्लूप्रिंट में आपका पूरा केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स डिवाइडेड है 25 25 25 मार्क्स, 75 मार्क्स हो गया। अगर साइंस की बात करें तो केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो कितने कितने मार्क्स में डिवाइडेड है, 25 25 25, तो 5 मार्क्स कहाँ चले गए। कॉमन चैप्टर इज देयर नेचुरल रिसोर्सेज, एक कॉमन चैप्टर है जो हमारा एनर्जी रिसोर्स का हो गया, आर इन्वॉल्वड, दैट इज फॉर 5 मार्क्स, वो पूरा चैप्टर क्या है 5 मार्क्स में, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए आप लोगों को ब्लूप्रिंट आप लोगों ने बना के दिया गया, ब्लूप्रिंट देखो किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर से 1 मार्क्स के आते हैं, किस चैप्टर से पास्ट के 3 और 4 ईयर्स में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए नहीं, आप उस चैप्टर को प्रिपेयर करो उससे कभी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए नहीं, उसका बेनिफिट नहीं होगा, आपका टाइम क्या होगा, कंज्यूम होगा, लॉस होगा आपका। ब्लूप्रिंट को प्रॉपरली एनालाइज करना है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग
whatever chapters are given in 1 marks, 2 marks, 3 marks and 5 marks, first of all you have to mark the chapters, those who are very important according to MCQs or 1 marks. उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना, एवन एक एक कॉन्सेप्ट या फिर कह दो कि एक एक वर्ड जो है उनको प्रिपेयर करो. इफ देयर इज एनी डाउट, एक सिंगल डाउट भी किसी वर्ड में, जिस वर्ड में सब्जेक्ट टीचर हां ये वर्ड अभी क्लियर नहीं हो रहा हमें पता है, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेन 95 96 एंड 98 परसेंटेज. इज इट क्लियर? सो ब्लूप्रिंट एनालाइज करना प्रॉपर वे में. सबसे पहले किसको मार्क करना है? चैप्टर्स विच आर इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज और 1 मार्क्स, उनको मार्क कर लेना, उनको अच्छे से प्रिपेयर करना. देन वी गो फॉर सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, डेमोंस्ट्रेटिव, दो नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर. इज इट क्लियर? डन. सो नेक्स्ट टाइम आप लोग ब्लू प्रिंट मार्क करके आओगे. आई विल आस्क वन बाय वन, हम किसी एक से पूछ लेंगे ब्लू प्रिंट कैसे.